हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेडमी कॉल इंडेड प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, या फिर अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो तुरंत कट जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप इन सभी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क या सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर सिम वन सिम टू दोनों मिल जाएगा। जिस सिम से आप फ़ोन लगा रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, उस सिम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अगर यहाँ पर ये इनेबल रहेगा तो इसे रहने देना, या फिर आप चाहें तो इसे एक बार बंद करके सिम को यहाँ से बंद करके चालू कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने बंद करके इसे चालू कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं डाटा रोमिंग पर। अगर ये बंद है तो इसे चालू कर देना है। वाईफाई कॉलिंग जो है, इसे भी आप अगर बंद किए हैं तो इसे चालू कर लेना। अब आते हैं बैक। यहाँ पर एक ऑप्शन है नीचे एक्सेस पॉइंट नेम का, एपीएन नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एपीएन पे क्लिक करते हैं। एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है। ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रीसेट एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर रीसेट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, कुछ फ़ोन में क्या होता है, नीचे दिया हुआ रहता है रीसेट या डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन। तो आप यहाँ नीचे भी क्लिक करके रीसेट या डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में ऊपर दिया था तो मैं ऊपर से किया। अब बैक आते हैं। अब यहाँ पर एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा या नेटवर्क का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर चेक कर लेना है ऑटो सेलेक्ट है कि नहीं है। अगर ये ऑटो सेलेक्ट नहीं रहेगा, इस तरीके से ऑफ रहेगा, 4G या 3G पर सिलेक्ट रहेगा, तो आपको ऑटो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अब 4G पर है। बैक आते हैं, फिर से क्लिक करते हैं इसी ऑप्शन पर। अभी देखना है 4G ही रहेगा। ये देखिए तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। आपको क्या करना है, ऊपर ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑटो सेलेक्ट सेव हो चुका है। अब आना है बैक मोबाइल के होम स्क्रीन पर। अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन कर लेना है। फिर आप कभी भी किसी के पास कॉल करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी नेटवर्क सही न होने के कारण भी होता है, और अगर सामने वाले के पास रिचार्ज नहीं रहेगा तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।